हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो ऑटो एक्सपो 2023 में आपका फिर से स्वागत है। हमारे सामने है टाटा की हैरियर जो कि डार्क एडिशन के अंदर आती है। तो सामने अपने खड़ी है टाटा हैरियर जो कि डार्क एडिशन है। तो भाई अपने न्यू अवतार न्यू लुक्स में गाड़ी आ चुकी है। टाटा ने दोबारा से इंट्रोड्यूस किया है इसको, अपना ऑटो एक्सपो 2023 के अंदर लॉन्च किया है, दोबारा से इंट्रोड्यूस कर रहा है टाटा इसको। तो इस गाड़ी का तो यार मतलब मुकाबला ही नहीं है। फुल हैवी SUV साइज गाड़ी यही मिलती है अपने को, जो कि एक मतलब कह सकते हैं सेफ्टी वाइज और हर तरीके से गाड़ी अपने को एक कॉन्फिडेंस देती है, तो वो है टाटा हैरियर। तो टाटा हैरियर की बात कर लेते हैं, सामने का फ्रंट लुक देख लेते हैं गाड़ी का। तो फ्रंट में भाई गाड़ी में मिल जाती है आपको पूरी ब्लैक पियानो फिनिश के अंदर मिल जाती है ग्रिल। सामने आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प LED में मिल जाते हैं, नीचे फॉग लैंप्स मिल जाती है, नीचे की तरफ आपको बम्पर जो है वो मिल जाता है अपना मैट पियानो फिनिश मैट कलर में मिल जाते हैं। इसका बम्पर जो कि ब्लैक कलर में मिलता है, नीचे की तरफ ग्रिल प्रोवाइड कर देता है टाटा, जो कि एक ह्यूज साइज इसका ग्रिल है जो कि काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है। भाई थोड़ी लाइट्स कम है यहाँ पर क्योंकि क्या ये डार्क एडिशन है और डार्क नाइट डार्क एडिशन है, तो इस डार्क एडिशन की वजह से इसको पूरा डार्क किया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको भाई अपना मैनेज कर लेना थोड़ा सा आप लोग। यहाँ पे आपको देख रहे हो कि आपको DRLs मिल जाती हैं जो कि डे लाइट DRLs होती है, ये अपने मिल जाती है फ्रंट में अपने को मिल जाता है। इसका होल ह्यूज साइज बोनट जो कि कर्व्स में आता है, देखो कर्व जो इसके कितने प्यारे कर्व्स एंड कट्स दिए गए हैं इसके अंदर। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे मिल जाता है अपना फ्रंट पार्किंग कैमरा और यहाँ पे टाटा का डार्क एडिशन टाटा लोगो डार्क लोगो मिल जाता है जो कि इसमें ग्रिल के साथ ही इनबिल्ट है। तो भाई ये इसका फ्रंट का ओवरऑल लुक। बात कर लेते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल की, तो साइड प्रोफाइल देख लेते हैं। तो भाई ये है इसका गाड़ी का साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल पे फेंडर में देख लेते हैं आपको यहाँ पे डार्क की एडिशन की बैजिंग मिल जाती है। नीचे की तरफ आपको मिल जाते हैं इसके एलॉय व्हील्स, डायमंड का एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जो कि 19 इंचेस एलॉय व्हील्स हैं, टायर के साथ आते हैं 19 इंच टायर के साथ ये आते हैं एलॉय व्हील्स। साथ ही साथ यहाँ पे ORVMs मिल जाती हैं, ORVM के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर मिल जाता है। नीचे की तरफ आपको 360 कैमरा मिल जाता है यहाँ पर जो कि ORVM के साथ ही मिलता है। और साथ ही साथ नीचे की तरफ आप देखेंगे तो आपको एक ह्यूज साइज क्लाइडिंग मिलती है जो कि इसके लास्ट तक जाती है अपने गाड़ी के टेल तक, शुरू से होती है स्टार्ट और टेल तक ये जाती है अपना गाड़ी में। बात कर लेते गाड़ी के डोर हैंडल जो कि आपको बॉडी पैंट के अंदर डार्क एडिशन में ही मिल रहा है, पूरा डार्क एडिशन है तो डार्क सब कुछ मिलने वाला है, ब्लैक में ये पैंट में आपको मिलने वाला ग्लॉसी फिनिश के अंदर। रिक्वेस्ट सेंसर के साथ आपको मिल जाता है इसका डोर हैंडल। और यहाँ पर आपका ऊपर की तरफ देखा जाए तो अपना पूरा का पूरा जो है ब्लैक पियानो फिनिश के साथ ही पूरा डोर मिल जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक स्ट्रिप मिल जाती है ब्लैक कलर की। बात कर लेते गाड़ी के पीछे के सी पिलर भी गाड़ी का अपना छोटा सा मिलता है, ज़्यादा कोई बड़ा नहीं है पर ठीक ठाक है, अच्छा लगता है। पीछे हैरियर की बैजिंग मिल जाती है। रूफ़ पे बात करते हैं, कोई रूफ रेल्स नहीं मिल रही है, कोई रूफ रेल नहीं है रूफ के ऊपर, ऊपर अपना सार्फिन एंटेना मिल जाता है। तो भाई बात कर लेते गाड़ी के बैक प्रोफाइल की, तो बैक प्रोफाइल से गाड़ी वही अपना एकदम ह्यूज साइज मैसिव लुक प्रोवाइड कर रही है जो कि इसकी अपनी एक टाटा की जो लेगेसी है कि भाई गाड़ी जो है पूरी दमदार गाड़ी है और हैरियर नाम से ही जानी जाती है। तो भाई बैक साइड की बात कर लेते हैं, बैक साइड में आपको मिल जाता है सबसे प्रॉपर स्पॉइलर मिल जाता है, स्टॉप लाइट मिल जाती है, डीप फॉगर्स मिल जाते हैं यहाँ पर, डीप फॉगर के साथ ही वाइपर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर नीचे की तरफ आपको टाटा का लोगो मिल जाता है, पार्किंग सेंसर कैमरा मिल जाता है यहाँ पर नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ आपको टाटा की हैरियर की बैजिंग मिल जाती है जो कि अपना ब्लैक पियानो फिनिश के साथ ही मिलती है। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है बम्पर पे आपको दो पार्किंग सेंसर प्रोवाइड हो जाते हैं। तो ये इसका ओवरऑल लुक है। बैक साइड से नीचे दो रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, एक रिफ्लेक्टर यहाँ पे आपको मिल जाता है बम्पर पे साइड में, और पीछे की जो स्टॉप लाइट है वो पूरी की पूरी आपको मिल जाती है LED DRL के साथ। तो ओवरऑल देखा जाए तो गाड़ी पूरी सेम जो पुराना टाटा हैरियर था वही टाटा हैरियर आज भी है, और टाटा हैरियर का कोई मुकाबला नहीं है, ये तो बात आप सभी जानते हैं। भाई बात कर लेते गाड़ी के अब इंटीरियर में, तो इंटीरियर में भाई अंदर से तो जाने की भी परमिशन है नहीं, बट लेकिन यह मैं जितना हो सकता है यहीं से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो जो इसकी अपोस्ट्रॉफी है गाड़ी की वो लेदरेट फिनिश के साथ आती है। गाड़ी एयरबैग्स प्रोवाइड कर रही है जो कि 7 एयरबैग्स गाड़ी के अंदर आते हैं ऑलरेडी, आप देखते हो ह्यूज साइज इसका डोर हैंडल मिल जाता है। अंदर की तरफ स्टार्ट स्टॉप का पुश स्टार्ट बटन मिल जाएगा आपको, और नीचे की तरफ जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम है हारमन का ही मिलता है जो कि 10 इंचेस का मिलता है अपने को, टच स्क्रीन ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी अपना आती है। हिल होल्ड कंट्रोल और अपना
टैक्सन कंट्रोल वगैरह सब आपको इसमें मिल जाते हैं। क्रूज कंट्रोल इसमें आपको मिल जाता है और इसमें आपको पैनारोमिक सनरूफ मिलता है जो कि हुज साइज पैनारोमिक सनरूफ है, बैक साइड तक पूरा जाता है प्रॉपर। तो ये इसका ओवरऑल रिव्यू है गाड़ी का। 360 कैमरा, डार्क एडिशंस वगैरह इसमें आपको मिल जाते हैं। तो ये इसका ओवरऑल लुक और ओवरऑल रिव्यू। तो कैसी लगी ये गाड़ी अपने एक बार कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको अगर गाड़ी अच्छी लगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और टाटा हैरियर आपको कैसी लगी एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपको तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग डार्क एडिशन टाटा हैरियर।